जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में। यहाँ पदों की संख्या 128 है। पद का नाम है प्रोफेसर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार के पास PhD एंड 20 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आवेदक की आयु 40 से 55 होनी चाहिए। मासिक आय 55,000 से 70,540 रहेगा। आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार www.cuhimachal.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में। यहाँ पदों की संख्या 6 है। पद का नाम है संयुक्त सचिव। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 16 अगस्त 2019। आवेदक की आयु 21 से 45 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और ACS ACA ACMA में परास्नातक डिग्री होनी चाहिए। मासिक आय 38,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन के लिए आप www.icsi.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 64 है। पद का नाम है अप्रेंटिस। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 24 अगस्त 2019। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। मासिक आय 10,600 से 15,100 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.iucl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो घबराइए मत, क्योंकि बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने भी भर्ती निकाली है। अब ये नौकरी पाने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को आप गौर से देखिए। यहाँ पदों की संख्या 1 है। पद का नाम है चीफ मैनेजर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 26 अगस्त 2019। आवेदक की आयु 35 से 50 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MBA डिग्री होनी चाहिए। पे स्केल 84,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.bamerlawrie.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 80 है। पद का नाम है नाविक। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 18 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों को किसी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। मासिक आय 35,000 से 41,540 रहेगा। आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 10 है। पद का नाम है अप्रेंटिस। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 26 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 17,500 रुपए रहेगा। योग्य उम्मीदवार www.careers.powergrid.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 40 है। पद का नाम है JE। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 29 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 28 से 40 होनी चाहिए। पे स्केल 40,000 से 62,400 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.supva.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैनिक स्कूल गोलपारा में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 15 है। पद का नाम है जनरल एम्प्लॉय। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 17 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 30 से 50 होनी चाहिए। पे स्केल 10,000 से 25,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.sainikrimic.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपको पसंद नहीं है तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने भी वैकेंसी निकाली है। पदों की संख्या 80 है। पद का नाम है नर्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 4 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को MBBS होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 38 होनी चाहिए। पे स्केल 55,000 रुपए रहेगा। योग्य उम्मीदवार www.tmc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, और आज की आखिरी बम्पर वैकेंसी है छावनी बोर्ड देवलाली में। यहाँ पदों की संख्या 55 है, पद का नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 24 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट MSc होना चाहिए। आवेदक की आयु 25 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 31,000 रूपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.cbdevlali.org.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी 10 अलग अलग विभागों के सरकारी नौकरियों की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट। We'll be right back.